वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ को। तो ये एमसीक्यू जो होंगे वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए, चाहे आप यूजी कोर्स के लिए दे रहे हों या फिर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दे रहे हों पीजी कोर्सेज के लिए, और अदर कोर्सेज के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपको हेल्प करेंगे। तो जर्नल साइंस में सामान्य विज्ञान में हम देखेंगे आज रसायन विज्ञान के एमसीक्यू को। तो रसायन विज्ञान के लिए फर्स्ट एमसीक्यू ये हो जाता है यहाँ पे कि तम्बाकू में पाया जाने वाला रसायन निम्न में से है। कौन सा रसायन पाया जाता है तम्बाकू में? तो निकोटीन पाया जाता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो शीशे की मात्रा किस में अधिक पाई जाती है? कोयला में, या खाना पकाने की गैस में, या फिर उच्च अकेटन वाला ईंधन में, या फिर निम्न अकेटन वाला ईंधन में? तो सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है यहाँ पे उच्च अकेटन वाला ईंधन में, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो सीसा कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही है थर्ड में। तो लोहे के जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति होने पर लोहे में जंग लग जाती है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देन आएंगे फोर्थ क्वेश्चन पे, सीसा है एक, सीसा क्या होता है? तो अति शीतित द्रव पदार्थ, सीसा एक तरह से अति शीतित द्रव पदार्थ होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फिफ्थ नंबर पे, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थाई आइसोटोप समस्थानिक में बदल जाता है? इसका ऑप्शन हो जाता है सी, सीसा, सीसे के समस्थानिक में बदल जाता है। या नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सिक्स नंबर पे, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है, किस चीज़ में मदद मिलती है? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सेवन नंबर पर, लोहे का शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो लोहे का शुद्ध रूप आपसे पूछा जा रहा है, पिटवा लोहा जो है इसका शुद्ध रूप होता है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एट नंबर पर, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा इसको बदला जाता है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नाइन्थ नंबर पे, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, जे.जे. थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है टेंथ नंबर में, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? तो अश्रु गैस क्या होती है ये आपसे पूछा जा रहा है इसमें, इसको जो है फिनेसिल क्लोराइड कहा जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इलेवन नंबर पे, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीन अवस्थाओं ठोस द्रव और गैस तीनों में पाया जाता है? तो जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, H2O, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। वायु है, वायु क्या होती है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो वायु एक तरह से मिश्रण है, सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टीन नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थाई कण है? तो कौन सा एक अस्थाई कण होता है? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है यहाँ पे 14 नंबर पे, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कही जाती है? पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 15 नंबर पे, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं?
तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की योगफल को क्या क्या कहा जाता है? द्रव्यमान कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 16 नंबर पे, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो किसमें ऋणात्मक आवेश पाया जाता है? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, बीटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर पे, गामा किरणें हैं, गामा किरणें क्या होती हैं? तो ये एक उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 18 नंबर पे, जिसमें आपको बताया गया है कि 6O15, 6O16, 6O17 को क्या कहते हैं? तो इनको क्या कहा जाता है? ये नंबर्स आपको दिए गए हैं, इन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 19 नंबर पे, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो किसके उत्सर्जन से उत्पन्न होते हैं? बीटा किरणों के। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर पे, एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या आपसे पूछी गई है। तो कुल परमाणुओं की संख्या एक मोल में हो जाती है 6.023 × 10³। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 21 नंबर पे, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना? ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे अवकरण कहा जाता है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, नीले लिप्टम पत्र को लाल कर देता है, किस वजह से नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है? तो इसका रीज़न होता है अम्ल होना, अम्ल की वजह से नीले लिटमस पेपर जो है लाल हो जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर पे, क्षारीय घोल का पीएच मान होता है, क्षारीय घोल जो होता है उसका पीएच मान पूछा जा रहा है, तो ये 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 25 नंबर पे, एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होता है, तो आयतन पूछा जा रहा है यहाँ पे, 22.4 लीटर होता है ये। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे 26 नंबर पे, कि वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है? तो कौन सी कंडीशन होती है ये? निम्न दाब और उच्च दाब पर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 27 नंबर पे, कि स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब, उसके दाब में क्या चेंजेस आते हैं? तो दाब बढ़ जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर पे, दूध उदाहरण है, तो उसकी दूध आपसे पूछा जा रहा है कि किस चीज़ का उदाहरण होता है? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, सी ऑप्शन, कि ये जो है इमल्सन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर पे, शुद्ध जल का पीएच पूछा जा रहा है आपसे, तो 29 का आंसर है यहाँ पे 7.0। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संचारण नहीं होता है? तो ऐसी कौन सी धातु है? सोना ऐसी धातु होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 31 नंबर पे, उष्माशोषी प्रक्रिया में आपसे पूछा जा रहा है कि किसका अवशोषण होता है या मुक्ति होती है या परिवर्तन होता है? तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि उष्मा का अवशोषण होता है इसमें। तो उष्मा का अवशोषण किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 32 नंबर पे, कि किसी अभिक्रिया का वेग आपसे पूछा जा रहा है, तो अभिक्रिया की प्रगति के साथ घटता रहता है,
जैसे ही अब क्रिया की प्रगति होगी वैसे ही वेग जो है घटता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 33 नंबर पे कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, तो इसमें क्या परिवर्तन करता है, घटाता है, बढ़ाता है या परिवर्तित करता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें परिवर्तित करता है, ये जो है परिवर्तन आता है, सी ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर पे, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, कौन सी गैस प्राकृतिक गैस में मानी जाती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है कि मीथेन जो है वो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 35 नंबर पे, जिसमें पूछा गया है गोबर गैस में मुख्यतः होता है, क्या होता है गोबर गैस में मुख्यतः, मीथेन रहता है, ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर पे, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन रहते हैं परमाणु भार के, ये ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 37 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है कि आधुनिक आवर्तन आवर्त नियम का प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक रहे हैं मोसले, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर पे, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा तत्व है, जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 39 नंबर पे, जिसमें पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो तत्वों के वर्गीकरण का आधार आधुनिक सारणी में माना जाता है परमाणु संख्या को, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर पे, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, प्रथम सदस्य क्या रहता है, एक क्षार धातु रहता है, ये ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर पे कि सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, हीलियम, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 42 नंबर पे, जिसमें पूछा गया है कि सोना का लैटिन नाम है, सोना का लैटिन नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ओरम जो है सोना का लैटिन नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 43 नंबर पे, वह गुण धर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातुओं को पीट कर पतली पत्थर बनाई जा सकती है, तो इस गुणधर्म को कहा जाता है आघात वर्धनीयता, सी ऑप्शन इज करेक्ट, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर पे, पारे का प्रमुख अयस्क है, पारे का अयस्क कहा जाता है सिनेबार को, डी ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 45 नंबर पे, जिसमें कहा गया है कि रेडियम किससे प्राप्त होता है, रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, पिच ब्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर पे, अयस्क में चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है, तो चुंबकीय अशुद्धियों को कैसे दूर किया जाता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 47 नंबर पे, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, इन अशुद्धियों को क्या कहते हैं, तो इनको गैंग कहा जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 48 नंबर पे, मोनाजाइट किसका अयस्क है, मोनाजाइट किसका अयस्क माना जाता है, तो इसको जो है थोरियम का अयस्क कहते हैं, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 49 नंबर पे, हेमेराइट किसका अयस्क होता है, तो ये लोहे का अयस्क होता है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर पे, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें आंसर हो जाता है डी, तांबा, जस्ता और निकल का ये मिश्रण होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर पे, पीतल मिश्रण है, पीतल किस चीज़ का मिश्रण होता है, तो ये तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 52 नंबर पे, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है,
तो रासायनिक सूत्र हो जाता है इसका NaCO3.10H2O। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे 53 नंबर पे, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो डबल रोटी में किस बेकिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 54 नंबर पे, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो आतिशबाजी में रंग कौन से लवण के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट, CR व BA के द्वारा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है नीला धोथा का रासायनिक सूत्र। तो नीला धोथा का रासायनिक सूत्र हो जाता है Na2H2O3.5H2O। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर पे, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? तो कौन सी ऐसी धातु होती है जिसको थोड़ी देर वायु में रखने पर उसके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? तांबा ऐसी धातु है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 57 नंबर पे, जल की स्थायी कठोरता का कारण है। जल की स्थायी कठोरता का कारण पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है, कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स होते हैं इसके कारण। नेक्स्ट है यहाँ पे 58 नंबर पे, जल की कठोरता किस प्रकार दूर की जाती है? तो इसको दूर कैसे किया जा सकता है? जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 59 नंबर पे, जिसमें पूछा गया है कि साधारण कांच किसका मिश्रण होता है? तो साधारण कांच मिश्रण रहता है यहाँ पे सोडियम सिलिकेट का, कैल्शियम सिलिकेट का और सिल्का का। तो डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जोसेफ एस्पेडिन के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो थैंक यू एवरीवन। रसायन विज्ञान के एमसीक्यू यहीं पे एंड होते हैं।